हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने देखी हैं क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है एक दूसरे के अपोजिट, वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन है इसकी। इफ लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, कोई भी फंक्शन टी का हमारे पास है उसका लाप्लास एफ एस है, देन एफ टी इज कॉल्ड एन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। तो एफ टी को हम एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे। एंड इज रिटन एज एफ टी इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस, वेयर एल इनवर्स स्टैंड्स फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। जैसे हम एल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेटर होता है, उसी तरीके से एल इनवर्स जो होता है वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर होता है। तो एफ टी इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस, हम इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास करेंगे तो वो एफ टी के इक्वल आएगा। देखिए इक्वेशन एफ टी इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस डिपेंड ऑनली इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। ओके, नाउ टेबल ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए ये टेबल है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जैसे मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आपको टेबल बताई थी उसी तरीके से ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टेबल है। देखिए 1 अपॉन s टू द पावर n+1, ये हमारा फंक्शन है एफ एस, 1 अपॉन s टू द पावर n+1, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। देन इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन, अब इसमें हमने इनवर्स लाप्लास लिया तो एफ टी के इक्वल होगा इनवर्स ऑफ एफ एस, इसके इक्वल बनेगा टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब आप ध्यान करो, याद करो कि मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या बताया था, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन। क्लियर, यही था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन। अभी हमारे पास है ये 1 अपॉन s टू द पावर n+1, ठीक है, तो ये हम यहाँ से हटा दो तो यहाँ 1 बचेगा, वो यहाँ पर आ गया डिवाइड में। ओके, या हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किसका ले रहे हैं, और यदि हमारे पास फंक्शन 1 अपॉन s टू द पावर n+1 है तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या बनेगा, टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। सेकेंड देखिए 1 अपॉन s माइनस a, अब ये s माइनस a, ठीक है, इसका इनवर्स लाप्लास यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू द पावर a t क्यूब, कैसे आएगा, जब हमने लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू द पावर a t इसको पढ़ा था, इसके इक्वल आया था 1 अपॉन s माइनस b, इसका लाप्लास था। अभी हम इसका इनवर्स लाप्लास करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इनवर्स टू पावर ए टी के इक्वल आएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। थर्ड देखिए 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब देखिए 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने पढ़ा है लाप्लास ऑफ साइन ए टी, इसके इक्वल होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये a स्क्वायर नहीं है,
इसको यहाँ से हटा दें तो ये वन अपॉन बन गया, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए साइन थीटा। या हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो ए से डिवाइड भी कर दें, ए से मल्टीप्लाई भी कर दें, राइट। तो ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो वन अपॉन ए साइन थीटा। नेक्स्ट है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, कॉस ऑफ ए टी। वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका लाप्लास क्या होगा, वन अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ई। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का लाप्लास क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ए टू का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। यदि हमसे इसका इनवर्स लाप्लास पूछा जाएगा तो हम इसको ए अपॉन ए करके फॉर्मूला लिख सकते हैं, वन अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ए टी। यहाँ पे भी हम चाहे तो ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ए टी का। और एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी आपका कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ए टी का फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सैंपल देखो, सिंपल एग्जांपल कैसे बनेगा। लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस थ्री टी क्या होता है, वन अपॉन एस प्लस, ये हमने पढ़ रखा है। यदि हम इसका लाप्लास सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एस प्लस थ्री, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वन का लाप्लास वन अपॉन एस होता है और एस एस प्लस थ्री से रिप्लेस हो जाएगा। देन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस, अब यदि हमें इसका इनवर्स चाहिए तो इनवर्स इसका क्या होगा, इनवर्स टू द पावर माइनस थ्री टी के इक्वल होगा, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इनवर्स लाप्लास ऑफ टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, तो हम इस फोर को टू स्क्वायर लिख सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ऑफ टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो हमारा है ये टर्म, ये हमारा फॉर्मूला बनता है साइन टू टी का, बन रहा है फॉर्मूला इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस टर्म ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हमने टेबल में देखा था साइन ए टी के इक्वल होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टू। सिमिलरली एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर होता है, यहाँ पर यदि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर होता तो उसका इनवर्स लाप्लास क्या लिखते, कॉस टू टी, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, क्या होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम देखें, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ सी वन इंटू एफ वन एस प्लस सी टू इंटू एफ टू एस, मेरे पास एस के दो फंक्शन है एफ वन एस एफ टू एस, ये सी वन कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सी टू कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में प्लस साइन लगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन रही है। अभी हमने हमें इस पर इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर ऑपरेट करना है, तो इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो कांस्टेंट c1 हमारा बाहर आ जाएगा और इनवर्स लाप्लास ऑफ f1s प्लस कांस्टेंट c2 बाहर आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ f2s किसके इक्वल बनेगा, ये c1। अब इनवर्स लाप्लास ऑफ f1s क्या है, f1t के इक्वल है, प्लस c2 इनवर्स लाप्लास ऑफ f2s क्या है, ये f2 t के इक्वल होता है, क्लियर। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ c1 f1s प्लस c2 f2s किसके इक्वल बनेगा, c1 f1t प्लस c2 f2t। अब आप याद करो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की क्या थी, जब हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था तो किसके इक्वल बना था, c1 लाप्लास ऑफ एफ वन टी यानी एफ वन एस प्लस सी टू लाप्लास ऑफ एफ टू टी यानी एफ टू एस इक्वल बना, वेयर सी वन एंड सी टू आर एनी कॉन्स्टेंट एंड
Laplace of f1t is equal to f1s and Laplace of f2t is equal to f2s. First property आपको समझ में आ गई, this is linearity property, clear? अब हम second property देखेंगे. Now second property is shifting property. अब shifting property हमने Laplace transformation में भी shifting property पढ़ा थी. अब हम shifting property inverse Laplace के लिए पढ़ रहे हैं. So inverse Laplace of fs is equal to ft. हमें पता है कि fs का inverse Laplace ft होता है. इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस माइनस ए, यदि एस में कुछ टर्म ऐड हो रही है या माइनस सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर ए टी इनटू एफ टी. एफ टी इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस. अब याद करो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी, लाप्लास ऑफ e raised to the power a t f t is equal to f t का लाप्लास क्या था, f s, और इस s को हम किससे शिफ्ट करेंगे, इसके कोफिशिएंट को यहाँ पर हम माइनस ये लिखते हैं. ठीक है, तो ये देखो इसी के इक्वल बन रहा है और इसका जब हमने इनवर्स लिया फंक्शन के इक्वल आ जाएगा e रेस्ट टू पावर 18 इनटू f. क्लियर. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स लाप्लास ऑफ fs इज इक्वल टू ft. हमें पता है fs का इनवर्स लाप्लास ft है. सो इनवर्स लाप्लास ऑफ f ऑफ as, s के साथ में a मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, उसका इनवर्स लाप्लास किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन a, तो वो जो कांस्टेंट टर्म है 1 अपॉन a फंक्शन ऑफ t अपॉन a, इसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन a फंक्शन ऑफ t अपॉन a, इनवर्स लाप्लास ऑफ f a s. दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. अब डेरिवेटिव्स के लिए देखिए, इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ fs इज इक्वल टू ft, देन इनवर्स लाप्लास ऑफ fns, अब यदि फंक्शन की पावर n हो तो इनवर्स लाप्लास क्या होगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ऑफ e टू द पावर n अपॉन ds टू द पावर n fs, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n टाइम s के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर n t टू द पावर n इनटू ft, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, देखिए आप जब हमने इसका लाप्लास, अब आप याद करिए लाप्लास ऑफ e टू दी पावर n फंक्शन ऑफ t, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, जब कोई फंक्शन t टू दी पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका लाप्लास किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस 1 टू दी पावर n t टू दी पावर n अपॉन s to the power n f of s. ये f of s क्या है, लाप्लास ऑफ फंक्शन f t, इसका जो लाप्लास है उसको n टाइम हम s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस 1 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे. अभी हमें इसका इनवर्स लाप्लास पूछा जा रहा है, राइट, इसका इनवर्स लाप्लास पूछा जा रहा है, ये माइनस 1 की पावर n हमने इधर लगा लिया है ना, तो माइनस 1 टू द पावर n t टू द पावर n f t इसके इक्वल बनेगा. क्लियर, अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं. सो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स. अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स में क्या है, इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ fs इज इक्वल टू ft, देन
इनवर्स लाप्लास ऑफ इंटीग्रल ऑफ एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस। अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटीग्रल के फॉर्म में है, लिमिट उसकी एस टू इनफाइनाइट है एफ एस डी एस। इसका यदि हमें इनवर्स लाप्लास सॉल्व करना है तो इसके इक्वल बनेगा एफ टी अपॉन टी के इक्वल। अब आप याद करिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी डिवाइडेड बाई टी, कोई सा भी फंक्शन एफ टी यदि टी से डिवाइड हो रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल था, इंटीग्रल ऑफ लिमिट एस टू इनफाइनाइट लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी यानी एफ एस एफ टी का लाप्लास टी एस पर एस के रेस्पेक्ट में उसको हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ हमने शायद यू की टर्म में लिखा था तो लिमिट एस में है तो एस में आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है ना, यदि हम इसका इनवर्स लाप्लास सॉल्व कर रहे हैं तो वो एफ टी अपॉन टी के इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ एस। अब मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ एस में देखिए इनवर्स लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, राइट, एंड एफ नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब टी जो टी इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एस इंटू एफ एस, यदि ये एफ एस एक एस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश टी, फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का जो हमने लाप्लास लिया था तो एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो ये था हमारे पास, ठीक है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो वो हट गया इसमें से, हमारे पास क्या बचा एस इंटू एफ एस बचा के, तो इसका इनवर्स लाप्लास किसके इक्वल होगा एफ डैश टी के इक्वल होगा। क्लियर? अब आप देखिए इसका जनरलाइजेशन, इफ एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो जितने भी डेरिवेटिव है सबकी वैल्यू टी इज इक्वल टू जीरो पर जीरो है तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एस टू द पावर एन एफ एस किसके इक्वल होगा एफ टू द पावर एन टी के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू डी टू द पावर एन अपॉन डी टी टू द पावर एन इनटू एफ टी, मतलब जो फंक्शन एफ टी है उसका टी के रिस्पेक्ट में एन टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसके इक्वल होगा ये इनवर्स लाप्लास ऑफ एस टू द पावर एन एफ एस के, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए ये सभी जीरो होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है डिवीजन बाय पावर ऑफ एस। अब इसमें देखिए इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी देन इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस अपॉन एस। अब यहाँ देखिए जो फंक्शन एफ एस है वो एस से डिवाइड हो रहा है, जब ये एस से डिवाइड हो रहा है तो इसका इनवर्स लाप्लास किसके इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टी एफ यू डी, इंटीग्रल के फॉर्म में आएगा, लिमिट हमारी जीरो से टी होगी एफ यू डी। ये एफ यू क्या है, इनवर्स लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ एस। अब आप ध्यान करो जब हमने इस इंटीग्रल वाले का लाप्लास लिया था तो वो वन बाई एस लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन एफ एस उसके इक्वल आया था। ओके, प्रोवाइडेड लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी आती है वो कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी है या कन्वल्यूशन थ्योरम भी हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या होती है कि इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी एंड इनवर्स लाप्लास ऑफ जी एस इज इक्वल टू जी टी, मतलब हमारे पास दो फंक्शन है जिसके इनवर्स लाप्लास हमें गिवन है पता है ना, देन इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इंटू जी एस। अब यदि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका इनवर्स लाप्लास हमसे पूछा जाए और दोनों ही फंक्शन का इनवर्स लाप्लास हमें पता है, कोई फॉर्मूला टेबल वाला कोई फॉर्मूला बन रहा है
तो उस केस में हम इसको कैसे लिखते हैं, एफ स्टार जी मतलब मल्टीप्लाई के लिए है, एफ इंटू जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये एफ एस और ये जी एस होगा, ये हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं जैसा इंटीग्रेशन करने में हमको इजी हो। उस फंक्शन को आप पहले कंसीडर कर लो और दूसरे वाले को सेकंड कंसीडर कर लो। तो हमें एफ यू जी टी माइनस यू डी ये इंटीग्रेशन करना है, लिमिट हमारी 0 से t रहेगी। ये कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका यूज हमें तभी करना होता है जब हमारे क्वेश्चन में मेंशन हो सॉल्व बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। यदि ऐसा नहीं मेंशन है तो हम उसको किसी और तरीके से भी, किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।